के जूनियर इंजीनियर सिकंदर कुमार यादवंदू ने अपनी भूमिका कबूल की है। पूछताछ के दौरान गिरफ्तारी के समय ही भूमिका कबूल की है। सिकंदर ने बताया कि अमित और नीतीश ने 4 मई 2024 को प्रश्न पत्र हासिल किया और अभ्यर्थियों को पटना के रामकृष्ण नगर इलाके में एक सेफ हाउस में इकट्ठा किया। यही उत्तर रटवाए गए और फिर सीधा एग्जाम सेंटर पर छोड़ा गया। तो ये बड़ा खुलासा नीट एग्जाम मामले को लेकर के हुआ है, जहां पूछताछ के दौरान राज्य सरकार के जूनियर इंजीनियर सिकंदर कुमार यादवेंदू ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है कि कैसे इस पूरी घटनाक्रम में वो संलिप्त रहा, वो शामिल रहा। पूछताछ के दौरान गिरफ्तारी के समय ही उसने कबूल की थी कि उसकी भूमिका क्या रही है। सिकंदर ने जो कहा है वो हैरान करने वाला है। बताया है कि अमित और नीतीश ये दो नाम 4 मई 2024 की तारीख जब प्रश्न पत्र हासिल किया जाता है और अभ्यर्थियों को पटना के रामकृष्ण नगर इलाके में एक सेफ हाउस नाम दिया गया, जहां पर इकट्ठा किया गया और यहीं पर उत्तर रटवाए गए और फिर सीधा एग्जाम सेंटर पर इन्हें छोड़ा गया। तो नीट पेपर लीक कांड में ये बड़ा खुलासा जो है वो सामने आया कि किस तरीके से पूरी जो घटनाक्रम है वो बुनी गई, कैसे एक एक अभ्यर्थियों को फायदा